नमस्कार। आज हम सूट में हाफ कलर लगाना सीखेंगे। आप चाहे तो ये कलर पहले कंधा जोड़ के तभी लगा सकते हैं और गला बना के आगे का, नहीं तो आप चाहे तो सूट को कंप्लीट करके उसके बाद भी कलर लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। मैंने सूट को कंप्लीट कर लिया है सिल के, अब मैं लगाऊंगी इसमें कलर। कलर लगाने के लिए कभी भी हमें आगे से, मतलब आपको जितना छोटा बड़ा पसंद हो, कम से कम हम 2.5 से 3 इंच लेते हैं, मैक्सिमम आप 4 इंच भी ले सकते हैं। इस चीज़ को मैंने 3 लिया है, 3 नहीं 3.5 है, ये रहा। दोनों साइड से मैंने 2.5 करके यहाँ पे निशान लगा लिया है। उसके बाद हम कलर लगाने के लिए इस चीज़ को मापेंगे कि हमारा कितना का कॉलर लगेगा। ऐसे यहाँ पे रखेंगे, 2.5 मैंने जहाँ लगाया वहाँ पे इंची टेप रख के फिर हम ऐसे नापेंगे। यदि आपको इसकी कटिंग देखनी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक उठा सकते हैं, इसकी कटिंग का। देखिए ऐसे करके हम माप लेंगे उस निशान से इस निशान तक। अभी देखिए यहाँ आ रहा है हमारा 14.5, तो 14.5 का हम एक बकरंग उठाएंगे और उस पर हम कटिंग करेंगे। इसका हम सेंटर लगा लेते हैं। पहले हम इसको इस माप को मिला के इसका सेंटर देखते हैं कहाँ आ रहा है, उसको पकड़ के इसको ऐसे खींचेंगे तो पता चल जाएगा इसका सेंटर, ये रहा। तो हम यहाँ एक निशान लगा देंगे, निशान लगा देंगे। आप चाहे तो एक छोटा सा नोचिस लगा लें। देखिए ये सेंटर रहा। उससे भी आपको दिक्कत हो रही है तो आके आप यहाँ पे एक लाइनिंग खींच लें। अब हम बकरम उठाएंगे, देखिए आप चाहे तो बकरम 1 इंच अडेरी 1 या 1.25 इंच का लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन 1.25 इंच की अच्छी लगती है, 1.5 इंच थोड़ा चौड़ी हो जाती है। तो मैंने ये 14.5 बकरम ले लिया है। 14.5 लेने के बाद हम इसमें गोलाई देंगे, हल्की सी गोलाई देंगे इसमें हम। देखिए निशान लगा लिया मैंने, अब इस निशान पे इसको हम बिल्कुल बराबर करके फिर कटिंग करेंगे। गोलाई लगा लिया मैंने, अब हम 2 पट्टी लेंगे, 1 पट्टी हटा लेंगे, 1 पट्टी पे अपना बकरम रख के फिर हम इसमें चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, एक एक चारों तरफ एक एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम फिर दिखा रहे हैं। देखिए सिलाई लगाने के बाद इसके बाद हम एक पार्ट जो है उसको नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद हम इसको बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल बकरम पे नहीं, बकरम के साइड में एकदम इसके कोर पे ऐसे। ऐसा करके हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, इस चीज को राउंड लाके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे हम, यहाँ तक
उसके बाद हम फिर दिखा रहे हैं। हम सारे एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे ये सब। उसके बाद आगे कॉलर जोड़ने के लिए इतना कपड़ा हम छोड़ेंगे सिलाई के लिए। इसको हम पलटेंगे ऐसे। ये एक्स्ट्रा इसको काट लेंगे। इसको पलटने के बाद ऐसे पलटी करने के बाद अब हम इस पे इतना कलर जोड़ने के लिए इतना छोड़ के, देखिए इतना छोड़ के फिर अब हम इसके एकदम ऊपर में हम सिलाई लगाएंगे। एक पक्की सिलाई है ये। और ये सिलाई हम पूरे में लगा लेंगे यहाँ तक। इसके बाद हम इसको दोनों कलर को पकड़ के बीच से ऐसे, और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। एक यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे। इसका सेंटर बन गया कॉलर का, देखिए। अब हम सूट में कलर अटैच करना बता रहे हैं, देखिए। आइए अब हम कलर अटैच करते हैं। इसमें कलर हम ऐसे पकड़ेंगे और इस पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस पे एक जहाँ पे हमने निशान लगाया था यहीं पे हम कलर लेंगे ऐसे। ऐसे करके हम पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। और हम सिलाई करते टाइम जब ये सेंटर आएगा, ये सेंटर हम यहाँ पे इसका सेंटर मिलाएंगे कि हमारा कॉलर सही लग रहा है या नहीं, उससे पता चल जाएगा। देखिए ये सेंटर और ये सेंटर मिल रहा है, देखिए। कलर हमारा सही लग रहा है। कभी भी हम कलर लगाएंगे तो एक कंधे की जो नीचे वाला पार्ट है उसे खींचेंगे नहीं, हम बराबर ही करके लगाएंगे नॉर्मली। यहाँ पे आके हम सिलाई हल्की पक्की कर लेंगे। देखिए इसके बाद, और यहाँ पे हम ये जो सिलाई की थी मैंने इसको अंदर की तरफ हम करेंगे, और फिर यहाँ पे इसको इसको भी अंदर लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। उसके बाद हम यहाँ पे इधर से सिलाई लगाएंगे और इसको हम एक टांके लगाएंगे ताकि वहाँ पे बंध जाए। उसके बाद ये सारी सिलाइयाँ, ये जो सिलाइयाँ दिख रही है इसको अंदर की तरफ करते हुए, और ऊपर का ये कॉलर का जो कपड़ा हम इसे फोल्ड करेंगे और उसके अंदर करके फिर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग में आता है। देखिए देखिए कितने फिनिशिंग के साथ आ रहा है हमारा कॉलर।
ये छोटे धागे इसको कटिंग कर लेंगे। ये सेंटर रहा, देखिए ऊपर से भी इसका सेंटर क्रीच बैठ जा रहा है। इसको नाखून से बिल्कुल दबाते हुए तब सिलाई लगाएंगे। और यहाँ आने के बाद सेम वैसे ही यहाँ पे जितने कपड़े हैं उसको अंदर करके फिर ऊपर वाले कपड़े को ऐसे अंदर कर देंगे हम। जैसे इस तरह से यदि उंगली से ना हो तब मोड़ने के बाद उसको पेच कस ले या फिर कुछ भी नोखीला चीज और उसको अंदर करके फिर सिलाई करना स्टार्ट करें। और इसके बाद ऐसा करके यहाँ पे हल्का दो तीन टांके लगा के बांध लें और फिर सिलाई निकाल लें। देखिए कैसा सिलाई हुआ हमारा। अब इसके बाद हम इस पे एक सिलाई लगाएंगे इस पे ताकि ये बैठ जाए। आइए सिलाई लगा के फिर दिखा रहे हैं।